वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके ऊपर रिसेंटली काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ और क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है या नहीं। इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस शेयर के बारे में। इसका नाम है हिमाद्री और इसका जो करंट प्राइस है करीब 46.35 रुपीज़ और इसकी डे की क्लोजिंग 2.22% डे लो पे हुई है। अब एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसा कि रिटर्न वर्सेस एफडी की बात करते हैं, इसमें काफ़ी बेटर दिखा रहा है पर डिविडेंड नहीं पे करता। फोरकास्ट की बात करते हैं तो फोरकास्ट पे किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट नहीं है जो इसमें बाइक लेके आ रहा हो। अब बात करते हैं फाइनेंस की। इसके इंडस्ट्री की रिवेन्यू ग्रोथ रेट है लास्ट के 5 ईयर के अंदर करीब 7.27%, जबकि सेक्टर की 9.91%, यानी इट मीन 10% के आसपास सेक्टर की ग्रोथ रेट है, जबकि इसकी ग्रोथ रेट काफ़ी कम है। अब मार्केट शेयर इनका इंक्रीज़ हुआ है लास्ट के 5 ईयर के अंदर, काफ़ी अच्छी बात है। अब 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू था करीब 2000 करोड़ के आसपास, जबकि 2019 में इनका रिवेन्यू बढ़ाया करीब 2430 करोड़, पर 2020 में इनके रिवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी करीब 1813 करोड़। पर 2021 की बात करते हैं, इसमें भी इनके रिवेन्यू में भी कमी, अब देखो एक अच्छी खासी कमी आई है, करीब 1693 करोड़ के आसपास इनका रिवेन्यू था। अब बात करते हैं कि 2021 आप क्या कह सकते हैं कोरोना इफेक्ट है, पर 2020 में भी इनका रिवेन्यू कम हुआ है। अब 2018 की बात करते हैं, 2018 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो करीब 247 करोड़ था, 2019 की बात करते हैं 324 करोड़, और 2020 में 205 करोड़, पर 2021 में 47 करोड़। देखो प्रॉफिट में ये मैं मानता हूँ कि कंपनी लास्ट के 4 सालों में प्रॉफिट के अंदर है, पर आप देखोगे ना तो इनका प्रॉफिट कम हुआ है 2019 के बाद लगातार। अब एक बार हम देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब बात करते हैं इसकी होल्डिंग के बारे में। जैसा कि आपके सामने प्रमोटर की होल्डिंग मैंने ओपन की है, अभी के टाइम में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो करीब 45.43% है। देखो किसी भी शेयर के अंदर जो एक पैटर्न है जो मुझे लगता है काफ़ी सही है और सेफ है कि किसी भी ऐसे शेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना जिसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 55% से ज़्यादा ना हो। अगर वो एक पैनी शेयर है तो खासकर इस बात का आपने ध्यान रखना है, 55 एटलीस्ट है ना, देखो एटलीस्ट 51 तो होनी चाहिए अगर मिनिमम आप देखोगे ना, पर फिर भी 55 मैं रख सकता हूँ कि इतनी अगर प्रमोटर की होल्डिंग है तब आप कह सकते हो कि कंपनी में आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी ग्रोथ हो। और सेकंड पैटर्न कि जो लास्ट के 2 सालों के अंदर है ना, 2 या 1.5 साल के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल होनी चाहिए या तो बढ़े पर कम ना हो। इसमें हम देखते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग हमारी कम हुई है अब मार्च के, हम देखते हैं मार्च से तो प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है, पर उससे पहले देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है करीब 3% के आसपास। और सेकंड चीज़ अब बात करते हैं इसमें, अब म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा निकाल लिया है, आज के टाइम में म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है। आपको पता है अगर म्यूचुअल फंड किसी से अपने पैसा निकालता है या अपनी होल्डिंग कम करता है मतलब उस शेयर में आने वाले टाइम में ग्रोथ ना के बराबर होती है। डीआई की बात करते हैं तो डीआई की भी होल्डिंग ना के बराबर ही है। एफआई ने रिसेंटली अपनी होल्डिंग बढ़ाई है पर एफआई की होल्डिंग बहुत कम है, 0.84% है। अब बात करते हैं अपने अदर पार्टी रिटेल इन्वेस्टर की। जैसा कि आपके सामने है अभी के टाइम में देखो रिटेल इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और अक्सर देखो ये चीज़ एक पैटर्न है, जिस भी शेयर में अगर रिटेल इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग बढ़ाता है तो पूरे चांस है उस शेयर में ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फर्क और उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अब मैं जो इसका प्रमोटर का जो पैटर्न है और जो म्यूचुअल फंड का है, जैसे म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा निकाल लिया है और जो रिटेल इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि इस शेयर के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक तो बहुत बड़ी है ना इन्वेस्टमेंट मत करना, मैक्सिमम अगर आप कर सकते हो ना तो 1000 रुपये से ऊपर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि इसके ऊपर मुझे नहीं लगता इसमें आपको रखना चाहिए। और अब बात करते हैं कि अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो अभी के लिए जो इसका प्राइस है करीब 46 रुपीज़ के आसपास प्राइस है, अगर यहाँ इस प्राइस पे आप बाय करोगे तो देखो आपने करीब 44 रुपीज़ के एसएल के साथ ही इसे बाय करना है, और ज़्यादा ज़्यादा इसका रिस्क आप ले सकते हो। अगर शेयर ने कभी 40 रुपीज़ से नीचे अपनी डे की क्लोजिंग दी तो उस समय आप ये बात मान लो कि इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। तो मिनिमम जो इसका सपोर्ट है 40 रुपीज़ का है, अभी का जो हमारे पास एसएल आ रहा है 44 रुपीज़ का एसएल है। जो यहाँ से टारगेट की बात करते हैं, हमारा अभी का टारगेट है 50 रुपीज़ का, अगर आप इसे बाय करोगे तो 50 रुपीज़ के टारगेट पर आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो अगर आप बुक करना चाहते हो। पर जो दो हमारे एक स्ट्रॉन्ग एसएल है, एक 40 रुपीज़ का एक 44 रुपीज़ का, इन दो एसएल के साथ ही आप इसे ट्रेड करो अगर आपको रखना, तो इन दो एसएल को ही फोकस करना है और 1000 रुपये से ऊपर इन्वेस्ट मत करना। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए देखो तो मैंने बता दिया, ज़्यादा पैसा मत इन्वेस्ट करो, बाकी आपका अपना डिसीजन है।
बाकी इतना बेटर मुझे शेयर लगा नहीं है, बाकी जैसा आपको ठीक लगता हो आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।